जो लोग शादीशुदा होने के बाद भी अपनी लुगाई के साथ नहीं आए हैं उसे विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। घर जाके भौजी के चरण स्पर्श करके कहिएगा मंत्री जी ने भेजा है। जो लोग कुंवारे बैठे उनको इलू इलू करना चाहता हूं। ये वो लोग ताली बजा रहे हैं जो दूसरों के घर में रात में अकेले में झांकते हैं। भगवान ऐसी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज मैं कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहां सबको समझ में आ जाए। एक बार की घटना हुई हमारे साथ, वो घटना मैं आप तक पहुंचाता हूं, फिर आप सीधे आज की जो खूबसूरत कलाकार निशा जी है उनको सुनेंगे, उसके बाद आपको पूरा पूरा मजा आएगा। हुआ मामला यूं मेरे दोस्तों, एक बार बॉम्बे में बारिश हो रही थी, कोई कहीं नहीं चल पा रहा था, न ऑटो न बस कुछ भी नहीं चल पा रहा था। मैं एक घर में गया, मैंने एक दरवाजे खटखटाया, हेलो आपको मालूम है ना, मतलब बारिश हो रही है, ना बस चल पा रहा ना ट्रक, मतलब अरे ऐसे कैसे चलाए मुंह उठा के, बहु बेटियों का घर है, बहु बेटियों के साथ आपको कैसे रखे, बहु बेटी रहती है जी। दूसरे घर में गए, हमारी चाची आई, क्या बात है बचवा, चाची आपको मालूम है बारिश हो रही है, ना घर जा पा रहे ना ट्रेन, मतलब थोड़ा सा रात गुजर, ऐसे कैसे चलाई मुंह उठा के, बेल मार दिया, बहु बेटी का घर है, बहु बेटी रहती है, बहु बेटी के साथ आपको कैसे जी। तीसरे घर में गए, हम खुद ही पूछा आपके घर में बहु बेटी है, बोले क्यों, मैंने कहा रात गुजारनी है, ये मजबूरी। एक अंग्रेज भारत आया, उसने हमारे गांव को चुना घूमने के लिए, उसकी गाड़ी गई कादों में लसक, अब भैया ड्राइवर मार रहा प्रर, उसकी गाड़ी बढ़ नहीं रही और बंदा परेशान। वो ड्राइवर हमारे गांव का, उसको अंग्रेजी आती नहीं थी, अंग्रेज इंग्लिश बोल रहा, ओ वो थे पेन। अभी ड्राइवर सोचा यार ये अंग्रेज इंग्लिश बोल रहा है तो हमें भी बोलना चाहिए, दो तीन बार पूछा वो थे पेन, वो थे वो थे, ड्राइवर बोला चुप चुप, The car is rusting, fusting in the kitchen. देखते नहीं, do not dealing, dolling, पो 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 बस पो पो करें। एक आदमी बैल चला रहा था अपने गांव का, उसको सिंह से टांग में मार दिया, वो हो गया बेचारा लंगड़ा। इधर पूर्णिया गया ट्रीटमेंट नहीं, पटना गया ट्रीटमेंट नहीं, दिल्ली गया ट्रीटमेंट नहीं, उनको किसी ने समझा दिया तू दिल्ली चला जा तेरा इलाज। अब देखिए एक आदमी जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसके सिंह से बैल ने टांग में मारा, वो लंगड़ा हो गया और दिल्ली वहां अमेरिका में गया। सेम क्वेश्चन डॉक्टर ने पूछा, व्हाट द पेन, इज दैट कौन अंग्रेज लगे छे कौन टेबलेट के नाम कहे छे, तीन चार बार फिर कह के डॉक्टर व्हाट द पेन, एक नर्स कही की पूछ रहे क्या हुआ, अच्छा अच्छा हिंदी में जवाब दिया, बोले नहीं नहीं अंग्रेजी में। इस बार डॉक्टर सोचा ये दोनों इंडियन कुछ आपस में मुझे गाली वाली दे रहे, डॉक्टर खड़े होकर कहता ओ व्हाट द पेन, ये बोले चप चप चप, द बेल ने मारा सिंगड़ा इन माय टंगड़ा देन आई एम लंगड़ा, ये अंग्रेजी है हमारी। नहीं मैं सही बता रहा हूं। एक बार स्कूल में हम एक बार फिर से प्रणाम करना चाहते हैं इस मंच से हमारे आदरणीय माता श्री बीमा भारती जी को और अभेश अंकल हमारे बीच हैं, आप सभी को तो सब तमाम लोगों को। एक स्कूल में गणित के शिक्षक को विज्ञान की शिक्षिका से प्यार हो गया, दोनों ने अपने अपने भाषाओं में प्रेम पत्र लिखे कि गणित के शिक्षक ने विज्ञान की शिक्षिका को प्रेम पत्र लिखा, गणित की भाषा का प्रयोग किया, जाने मन आपसे दूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, न ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। अब भैया लोचा क्या लोचा हो गया वहां के गणित के शिक्षक के बाद जब हमारी विज्ञान की शिक्षिका ने प्रेम पत्र लिखा, विज्ञान की शिक्षिका ने भी प्रेम पत्र लिखा, उन्होंने भी विज्ञान की भाषा का प्रयोग किया, जाने मन आपसे दूर हूं, मैं भी बहुत मजबूर हूं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, सारा काम माइनस में जा रहा है, प्लस में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं है कि फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, बड़ी ऊट पटांग गीत गाता है, फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, बड़े ऊट पटांग गीत गाता है, एक हीरो हीरोइन के पीछे आया
कहा मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बेटा वाले गौर से सुनना, एक हीरो हीरोइन के पीछे आया, बोला मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बेटा का एक लड़का खड़ा हुआ, बोले ओ अबे बॉलीवुड के सारे अभिनेताओं, तूने ले रखा है सारी खूबसूरत लड़कियों का सस्ता, तू सच सच बता आदमी है या कुत्ता। एक बार गजल का कार्यक्रम चल रहा था, गजल वाले गजल आए गाने अपने बीठा में आ गए, गजल गाना स्टार्ट किया उन्होंने, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो ये दौलत भी ले। एक बच्चा सामने से खड़ा हुआ, बोला आगे गाले, बोले बहुत अच्छी फरमाइश है अभी पूरी कर देता हूँ, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। एक आदमी डंडा ले गया, बोला मैं गजल वाले ने पूछा क्या बात है, बोले नहीं तुमसे कोई बात नहीं है, तुम्हें जिसने लाया उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। फिर उसने कहा बा बहुत अच्छी फरमाइश है, बोला ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। बीटा का एक लड़का खड़ा हुआ, बोला साले को कुछ नहीं आता, इसकी औरत भी ले लो। थैंक यू। अब मैं बुलाऊंगा ऐसे कलाकार को, सर बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिमिक्री, हमें इशारा हुआ है मिमिक्री कर दो। हमारे गांव में आए शाहरुख खान साहब, आदरणीय बीमा भारती मैम का प्रचार कर रहे, तो शाहरुख खान देखे, जब से बीच में आए यहाँ के लोगों से प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। उसका बेटा पहले दोनों हाथ काटूंगा, पर तोड़ का पाइज बना दूंगा ससुर का, ये पीछे से जॉनी लीवर, क्या लग रहा है वो बड़े बड़े गाती, ये पीछे से आए गब्बर हमारे, अरे सांबा, अरे सांबा, कितना इनाम रखा ही सरकार हम पर, पूरे 50,000। थैंक यू सो मच। अभी एक एंट्री और लूंगा जब आपके एंटरटेन के लिए, अभी मैं भैया को दे रहा हूँ माइक, एक खूबसूरत कलाकार की एंट्री होनी है यहाँ पे, फिर हम लोग बैठे रहेंगे। आज मंत्री जी भी, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा इस पर गाना सुनबो हम, तो वो भी हमारे लिए बैठी रहेंगी। तो एक बार जोरदार ताली, एक बार कमाल एवरीबॉडी, 1 2 3 एक बार जोरदार ताली बीमा भारती जी के लिए।